अगवान आर्यों को। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीषम से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं हाथी जैसी ताकत और बल का शरीर बनाए। दोस्तों ये आप सभी ने देखा होगा कि हाथी शुद्ध शाकाहारी होता है, भगवान ने उसको ऐसा बल का ही शरीर दिया है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम हाथी जितना ताकतवर हम नहीं बन सकते। बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिनके अंदर हाथी से भी ज़्यादा ताकत थी। भीम के अंदर 1000 हाथियों का बल था और बहुत सारे महापुरुष के अंदर भी थी। ऐसे ही 100 वर्ष पूर्व प्रोफेसर राममूर्ति नायडू जी के अंदर भी हाथी का बल था। उन्होंने अपने बल से अपने ऊपर से हाथी को गुजार देते थे, इतना उनके अंदर बल था। दोस्तों हाथी इतना ताकतवर होते हुए भी मनुष्य उससे काम करवा लेता है। जैसे आपने देखा होगा सर्कस आदि जगहों पर हाथी भी काम करते हैं, लोग उनको पैसा कमाने का जरिया बना रहे हैं, बल्कि वो इतने ताकतवर हैं। कितना अच्छा होगा अगर आप भी बुद्धि या ज्ञान के साथ साथ ताकतवर भी हों। आपको ही खुद अच्छा लगेगा कि आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, परंतु ताकत बिल्कुल ख़त्म है। अगर वो भी आपके साथ हो तो आपको कितना अच्छा लगेगा। दोस्तों अब बात करते हैं आप भी कैसे ताकतवर बन सकते हैं और अपना शरीर बलकाय बना सकते हैं। कुछ ही नियम है और हर कोई कर भी सकता है, इतने कठिन नियम नहीं है। सबसे पहला है शुद्ध शाकाहारी ही खाना खाओ। जब भी आपको खाना मिले शुद्ध शाकाहारी, होटल हो कहीं बाहर जॉब करते हो तो शुद्ध शाकाहारी खाने में सबसे ज़्यादा ताकत है। सब महापुरुष भी पहले शुद्ध शाकाहारी खाना खाया करते थे। दूसरे नंबर पर है संयम करो, हस्तमैथुन संभोग सब छोड़ दो। ताकत तभी बढ़ेगी जब आप इनको छोड़ दोगे, नहीं तो ताकत नहीं आने वाली। तीसरे नंबर पर है घी दूध अधिक पियो। घी दूध जितना अधिक पियोगे उतनी ताकतवर देखिए, क्योंकि गाय से के दूध से घी बनता है और दूध भी गाय ही देती है, तो गाय शुद्ध शाकाहारी होती है, इसलिए उसके अंदर भी बहुत अधिक ताकत होती है। चौथे नंबर पर है व्यायाम प्राणायाम ध्यान अधिक करो, फिर देखो आपके अंदर भी हाथी जैसी ताकत आएगी। व्यायाम प्राणायाम में हर वीडियो में आपको बताता हूँ जरूर करने चाहिए, क्योंकि सब लोग व्यायाम प्राणायाम ही करते थे जिससे उनके अंदर ताकत रहती थी। तो बताओ दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर पूछना।